अध्यात्म में प्रकाया प्रवेश का अर्थ है एक आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कई उदाहरणों से कहीं न कहीं यह प्रमाणित हुआ है कि ऐसा होना संभव है। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाया प्रवेश क्या है और यह कैसे होता है। अध्यात्म में पुनर्जन्म के जैसे ही परकाया प्रवेश एक अद्भुत और रहस्यमय विषय है। परकाया का अर्थ है कि एक व्यक्ति अपने शरीर के बाहर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात जब एक सिद्ध योगी अपनी योग साधना के बल से जीते जी किसी दूसरे के मृत या जीवित शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाता है तो उसे परकाया प्रवेश कहते हैं। इसके बारे में वेदांत और तंत्र शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। प्राचीन समय में परकाया प्रवेश के कई उदाहरण मिलते हैं और आज के युग में कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जो परकाया प्रवेश के सिद्धांत को कहीं न कहीं प्रमाणित करते हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, जहां एक शादीशुदा महिला के मृत्यु के तुरंत बाद किसी दूसरे की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। परकाया प्रवेश का एक बड़ा उदाहरण शंकराचार्य भी है, जब उनका एक विदुषी महिला भारती से शास्त्रार्थ हुआ। उन्हें काम शास्त्र के विषय को लेकर शास्त्रार्थ बीच में ही रोकना पड़ा था, क्योंकि उस विषय पर शंकराचार्य जी जानकारी और अनुभव शून्य था। इसलिए उन्होंने इस विषय पर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए समय मांगा। इस समय अवधि में उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को एक राजा के शरीर प्रवेश करवाया और राज का जीवन जीकर काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान उनके स्थूल शरीर की सुरक्षा उनके शिष्य ने की। शंकराचार्य ने जैसे ही ज्ञान प्राप्त किया वो अपने असली शरीर में लौट आए और फिर भारती से चर्चा करके उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया। परकाया प्रवेश करना सरल नहीं है। परकाया प्रवेश ध्यान योग, ज्ञान योग और योग निंद्रा द्वारा संभव हो सकता है। कोई सिद्धहस्त योगी, संत, महात्मा अथवा सिद्ध पुरुष ही योग क्रियाओं के द्वारा परकाया प्रवेश कर सकता है। परकाया प्रवेश का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मानव शरीर दो प्रकार का शरीर है, एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म शरीर की लंबाई अंगूठे के बराबर है और यह इतना अधिक पारदर्शी है कि प्रकाश भी उसके आर पार जा सकता है। कुछ जानकारों ने आकाश, तेज और वायु इन तीन तत्वों को सूक्ष्म शरीर माना है और प्रेत का शरीर भी इन्हीं तीन तत्वों से बना होता है। मृत्यु के समय जीवात्मा इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में ही जाता है। सूक्ष्म शरीर की गति मन के वेग के समान तीव्र होती है। परकाया प्रवेश की प्रक्रिया में यह सूक्ष्म शरीर ही एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर को धारण करता है। शास्त्रों में काया प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन शास्त्रों और वेदों में परकाया प्रवेश के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। अष्टांग योग के अनुसार इंद्रियों को नियंत्रित करके साधक के सूक्ष्म शरीर को अन्य किसी जीवित अथवा मृत शरीर में प्रवेश करवाया जा सकता है। वहीं योग वशिष्ठ के अनुसार रेचक प्राणायाम के लगातार अभ्यास के बाद अन्य शरीर में आत्मा का प्रवेश किया जा सकता है। शंकराचार्य ने इस बारे में यह बताया है कि यदि सौंदर्य लहरी के 87वें क्रमांक का श्लोक नित्य 1000 बार जप कर लिया जाए तो परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि आकाश तत्व की सिद्धि के बाद परकाया प्रवेश संभव होने लगता है। खेचरी मुद्रा का सतत अभ्यास और इसमें पारंगत होना परकाया सिद्धि प्रक्रिया में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। इन सब के अतिरिक्त भी कई और तरीके भी अलग अलग शास्त्रों में बताए गए हैं। क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आपको भय और चिंता सताती रहती है? क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हैं? जुड़े अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ कोर्स के साथ, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान है,
कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन करें।